बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह बुधवार को बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने 20 सूत्री मांगों को लेकर 14 सितंबर से होने वाली अनिश्चितकालीन चक्का जाम के लिए ट्रक मालिकों से समर्थन मांगा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि बिहार सरकार बिहार के ट्रक मालिकों को ATM कार्ड समझती है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशों में टैक्स में राहत दिया गया है, लेकिन बिहार में अभी तक कोई राहत नहीं मिला है। नए कानून में सभी राज्यों ने सुधार किया, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक कोई सुधार नहीं किया है। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन बेगूसराय जिला प्रवक्ता माधव कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से ट्रक मालिकों को कोई सुविधा और प्रोत्साहन नहीं मिलता है। ट्रक मालिकों को पुलिस, परिवहन और खनन तीनों विभाग के लोग लूटते हैं। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सालाना टैक्स जितना सरकार को मिलता है, उससे अधिक सरकार को अवैध कमाई से आता है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने चीफ सेक्रेटरी और परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारियों से स्टेट लेवल पर बात की है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मांगे पूरी नहीं होने की वजह से फिर वो लोग चक्का जाम के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि बिहार के सभी जिलों से समर्थन मिल रहा है। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता दीपक सिंह, जिलाध्यक्ष राम नारायण सिंह, जिला प्रवक्ता माधव कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए शांतनु कुमार की रिपोर्ट। राज्य के अन्य सभी बंद सेतु को खाली गाड़ी पटना लौटने का आदेश कर दिया। नॉर्थ बिहार से पटना लौटने का आदेश हो गया है। तत्काल पुलिस द्वारा जगह जगह जांच के नाम पर ट्रकों को लूटा जाता है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी प्रतिबंध लगाया है, बावजूद पुलिस मान नहीं रही है। उनके DGP ने लिखा, पुलिस मान नहीं रही, तो न DGP की बात मानती है और न माननीय उच्च न्यायालय की मान रही है। सरकार इसकी व्यवस्था देखे। राज्य के बालू खदानों में सरकार का जो तय रेट है, उसका तिगुना दाम हमें दिया जाता है। सरकार निर्धारित रेट पर बालू हमें मुहैया कराते हैं। राज्य में जगह जगह अनावश्यक रूप से नो एंट्री लगा दिया जाता है, जहां आवश्यक नहीं है उसको वापस ले लिया जाता है। सवाल यह है कि जो आज प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया, उसका क्या कारण है, क्यों किया गया? सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ मजबूर होकर ट्रक मालिक विवश होकर हड़ताल के रास्ता पर चल जा रहे हैं। 14/9/2020 के सुबह 6 बजे से चक्का पूरे प्रदेश में चक्का जाम आंदोलन, अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन को विवश। आपका ये जो हड़ताल है, इसमें पेट्रोलियम वाहन जो है जी, खराब वाहन शरीक है या वो अलग है? वो उन अलग संगठन है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करें, यहाँ भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मांग दोनों का बराबर है, कठिनाई उनको भी है। हम सभी से हड़ताल में साथ दें। हमने बस वाले से भी किया है, मुन्ना बाबू उपाध्यक्ष हैं बस के, हमने उनको भी गैस में रखते हैं, उनसे भी किया है कि आप हमारी मदद करो, सपोर्ट तो करें। जो हमारा मांग है ट्रक है, बस है, जो भी सबका तो मांग एक ही है। आगे रणनीति है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर उन्हीं के अध्यक्षता में हम बात करने को तैयार हैं, और किसी भी पदाधिकारी के अध्यक्षता में मेरी बात नहीं होगी। हाँ, दो बार सूचित किया है, हमने अध्ययन कर दिया, बहिष्कार कर दिया। हम ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अनुरोध को बहिष्कार करते हैं, जो चिट्ठी निकाले हम दोनों को बहिष्कार करते हैं। बेगूसराय जिला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के द्वारा जो अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, क्या ये आगामी 14 तारीख को पूरे बिहार प्रदेश में ट्रक एसोसिएशन बिहार के द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया है, जो इसमें कि लगभग 32 जिले बिहार में, आपको बता दूं 38 जिले हैं,
जिसमें कि 32 जिला से ज़्यादा में हम लोगों का उम्मीद है कि हम चक्का जाम कर रहे हैं। और ये जो चक्का जाम होगा ये एक ऐतिहासिक चक्का जाम होगा, जो कि आज तक हमें लगता है कि ट्रक एसोसिएशन का इतना बड़ा चक्का जाम नहीं हुआ था। हाँ, 2017 खनन नीति में का विरोध हम लोगों ने किया था, जिसमें कि 6 से 7 दिन रोड को जाम रखा गया था, वो भी एक ऐतिहासिक दिन था। लेकिन ये जो अब जो कोरोना जैसी महामारी में टैक्स को लेके, फिटनेस को लेके, रोड को लेके, पुल को लेके, फाइनेंसर को लेके, तमाम तरह की समस्याएं जो कि ट्रक चलाने में या ट्रक मालिकों को, ट्रक ऑपरेटरों को आ रही हैं, इन सभी मुद्दों को लेके हमारी 20 सूत्री मांग है, जिसको लेके हमने साफ कर दिया है राज्य सरकार को कि यदि आप हमारी इस 20 सूत्री मांगों को नहीं मानते हैं तो हम पूर्णतः बिहार का चक्का जाम 14 तारीख से पूरे बिहार को बंद रखेंगे, और इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। बेगूसराय जिले में ये चक्का जाम कहाँ कहाँ रहने वाला? पूरे जिले में हमारा संगठन फैला हुआ है, चाहे वो बीहट हो, चाहे वो बरौनी हो, चाहे खुदावनपुर हो, मंझौल हो, चिड़िया बरियारपुर हो, बेगूसराय हो, बछवाड़ा हो, तेगड़ा हो, सिमरिया हो, हर जगह हमारे लोग हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि कहीं से भी, मैं बेगूसराय की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, कि पूरे बिहार में ट्रक का एक भी चक्का नहीं चलेगा।